लाला मूसा कैसा शहर है? लाला मूसा अच्छा शहर है। अच्छा, बहुत अच्छा शहर है। हाँ, बहुत अच्छा। पुराने पुराना नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, आपको बड़ा पसंद है? बहुत पसंद है। ठीक है, जबरदस्त। तो क्या खाने में क्या चीजें अच्छी हैं यहाँ पे? समोसा, पकौड़े, वेड़ा, सब अच्छा है। कुल्फा। हेलो, सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हिबा आसिम अवारागंज। आज का दिन जो है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज का दिन जो है वो हम लाला मूसा जीटी रोड के ऊपर एक खूबसूरत सा छोटा सा शहर है, आज के दिन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है इसकी, अंग्रेज़ ब्रिटिश दौर से यहाँ पे है। ढाबे बहुत आला है। यहाँ से थोड़ा सा दूर जो है वो अल मशहूर मियाँ जी की दाल है। और एक बड़ी मज़ेदार बात, हमारे फोक सिंगर जो हमारे यहाँ पे पंजाब के फोक सिंगर आलम लोहार और उनके बेटे जो आरिफ लोहार हैं, उनका ताल्लुक भी इसी शहर से है। एक नंबर माल है, बहुत अच्छी। अच्छा, हाँ जी, जो खाता है वो दोबारा आता है ज़रूर। हाँ जी, ये बहुत पुरानी लाला मूसा की मशहूर हलवा पूरी। कब से दुकान है ये आपकी? 1965। तो क्या क्या है नाश्ते में? हलवा पूरी, चने। लाला मूसा शहर है। अच्छा, बहुत खूबसूरत शहर है। गाली बखरी है, ताड़ा पिंड है शाहजानिया। अच्छा, आपका नाम क्या था? मेरा नाम अली रजा। अच्छा अली भाई, आप बता रहे हैं कि हलवा पूरी का नाश्ता जो है जी जी लाला मूसा के अंदर, वो इनका बेस्ट है? इनका बेस्ट है। ठीक है, जबरदस्त। और क्या क्या सौगाते हैं यहाँ की लाला मूसा की? नोना बर्फी वाला मशहूर है। उसकी बर्फी है, कुल्फे वाला भी है। ये कुल्फे वाले हैं, दो तीन हैं। बहुत आला सूजी का हलवा है। ठीक है, और इसके बीच में इन्होंने मुरब्बा शुरबा डाल के उसको, अच्छा मुरब्बा डाल के इसको उन्होंने और ज़रा मज़ेदार किया हुआ है। अच्छा, साथ इनके चने हैं, चनों के अंदर ही दही डाली हुई है और साथ जो है वो उन्होंने प्याज डाले हुए हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, हलवा अच्छा है, मज़ेदार है, हल्का सा ग्रेन है सूजी का, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने घर में बनाते हैं, लेकिन यह है कि मज़ेदार है, बहुत आला। पूरी भी इनकी अच्छी है, अच्छी क्रिस्पी पूरी है। और जो चने हैं वो हल्के से स्पाइसी हैं। अच्छा, सीन ये है कि छोटे छोटे शहर हैं और यहाँ पे जो खाने वाले हैं वो भी कुछ सिंपल सिंपल फूड हैं इनके, लेकिन यह है कि उनके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? ठीक है, बहुत अच्छा हाल है। जलेबी बन रही है? हाँ जी। वाह वाह, और क्या क्या होता है? रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी। अच्छा जी, अमरती। कल बैठे हुए हैं यहाँ पे, जलेबियाँ निकाल रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि हमारे पास अमरती भी होती है। आपको याद होगा लाहौर के अंदर हमने एक, मेरे ख्याल से रफीक वाले थे, उनके पास अमरती थी। हर बंदे के पास होती नहीं है। तो जो पुराने हलवाई हैं, सही है, जो माशाल्लाह पुराना काम कर रहे हैं, वो बेसिकली ये रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये एक मज़ेदार। ये कौन सी वाली अमरती है आपके पास? माश की दाल वाली जी है। पड़ी हुई ये बनी हुई ये है, ये वाली सिंपल सा एक छोटा सा बाजार है, उसके अंदर जो है वो आपको मिक्स शॉप्स मिलेंगी। बीच में ही आपको जो है वो करियाने की शॉप्स हैं, बीच में ही सब्जी वाले बैठे हुए हैं। लाला मूसा के इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे गाँव हैं और उन गाँव से लोग जो है वो यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपको ना काफ़ी समोसा वगैरह, फ्रूट चाट, दही भले, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ गांव है, तो लोग हल्की फुल्की जो है वैसे ज़रा मंचिंग के लिए और वैसे ज़रा देसी स्नैक्स जो हैं वो ले रहे होते हैं, तो यहाँ पे इसलिए आपको समोसा वगैरह, फ्रूट चाट वगैरह जो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिलेंगी। लाला मूसा जो है इसमें किस चीज़ से ज़्यादा मशहूर है? जी, नूना हलवाई की वजह से काफ़ी मशहूर है जी लाला मूसा, पूरी दुनिया में इनकी बर्फी मशहूर है। नहीं, नूना के अलावा और क्या है यहाँ? नूना अलावा मियाँ जी की दाल, मियाँ जी की दाल है, गामे की नान टिक्की है। आपको ना बड़ी मज़ेदार है, सिंपल फूड है लेकिन बड़े मज़ेदार हैं, और उनके नाम बड़े आला हैं। बिल्ले के पकौड़े वो कहाँ से हैं? अच्छा, मेन सीन ये है कि इसी एक मेन रोड के ऊपर ही आपको सारे के सारे जायके जो हैं वो मिल जाएंगे। कितनी पुरानी दुकान है ये? हमारी होश में तो ये दुकान थी जब से हम स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त से औलाद है फिर। हाँ ठीक, उनकी ये सबसे पुरानी दुकान इनकी यही मेन बाजार में है। कैसी है बर्फी? अच्छी है। लाल भाई, कितनी पुरानी शॉप है माशाल्लाह जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के साथ साथ ही है। अच्छा, जब से पाकिस्तान बना है तो आपके दादा जी, दादाजी, परदादा जी? परदादा जी।
अच्छा ये दो तरह की है जी, दो क्या इसके ऊपर? अच्छा ये नीचे सब सेम है जी, सेम। एक जो है इसके अंदर बेसिकली पिस्ता बादाम है और दूसरे के अंदर जो है वो ये सिंपल है। और आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी बिकती है? सादी वाली बिकती है। हाँ चलें जी सादी से ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका टेस्ट क्या है। जो उसके अंदर जो आपको बेसिकली वो जो खोए का ठीक है वो जो ग्रेन्स आ रहा है बर्फी के अंदर वो बहुत आला लग रहा है। अच्छी मज़ेदार मिठाई है, कभी यहाँ पे आप आएँ तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत आला। तो क्या मशहूर है यहाँ का? नूनेरी बर्फी। अच्छा जी, सब तो ज़्यादा कॉर्नर का समोसे। इसी मेन बाज़ार लाला मूसा का जो मेन बाज़ार है उसी के अंदर आपको एक और यहाँ की डेलिकेसी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे समोसे पकौड़े ठीक है फालूदा इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको वाफर दुकानें मिल रही हैं। यहाँ की एक और डेलिकेसी है वो ये कॉर्नर समोसे वाले हैं। लाला मूसा कैसा शहर है? लाला मूसा अच्छा शहर है। अच्छा बहुत अच्छा शहर है। बहुत अच्छा पुराने प्याना नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा आपको बड़ा पसंद है? बहुत पसंद है। ठीक है जबरदस्त। तो क्या खाने में क्या चीजें अच्छी हैं यहाँ पे? समोसा पकौड़े वेड़ा सब चाय कुल्फा कुल्फा वेड़ा कुल्फा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। क्या हाल है जी? क्या नाम है आपका? अल्लाह शाही। अच्छा भाई ये कितनी पुरानी दुकान है? ये माशाल्लाह जी तकरीबन 50 साल पुरानी दुकान है। आपके जो समोसे हैं ना वो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान के अंदर धूम मची है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मशहूर समोसे हैं हमारे और आवाम भी हमारे पास बहुत आती है खाने के लिए। यहाँ हमारे समोसे जो है वो बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं पैक हो। हाँ जी इंग्लैंड में जाते हैं, जर्मन में जाते हैं, यहाँ से लोग लेके जाते हैं। ताला भाई मेरे साथ हैं माशाल्लाह, यहाँ पे जो है ये इस पूरी शॉप को रन करते हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे जो समोसे हैं वो बाहर के मुल्क भी जाते हैं यहाँ से पैक होके, क्योंकि डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे आके थोड़ा ट्राई कर जाते हैं तो उनको इनका टेस्ट लग जाता है, है ना? हाँ जी। हाँ तो फिर वो बाहर भी जो है वो ले जाते हैं। रिश्तेदार जो बाहर के मुल्क में वो फिर बाहर से भी मंगवाते हैं। जो भी आदमी पाकिस्तान में आता है उसको कहते हैं कि भाई हमारे लिए जी ये जो है ये समोसा, ये समोसा चाट। अरे वाह अच्छा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये डालते हैं ठीक है। समोसे के साथ चने हैं, चटनी है, इनका रायता है, उसके ऊपर ये टमाटर शमाटर डाल के सब्ज़ मिर्चें डाल के जो है ये उसकी एक पूरी प्लेट बनाते हैं। समोसा जो है वो कहीं नीचे छुप चुका है, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो चटनी चटनियों की लेयर्स आ चुकी हैं। ज़बरदस्त जी समोसा जो है काफ़ी उसका जो आउटर है काफ़ी अच्छा क्रिस्पी है, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो जो वेजिटेबल्स डाली हुई हैं ठीक है प्याज श्याज डाले हुए हैं तो उसकी वजह से अच्छा क्रंच आ रहा है। और दूसरा इनकी चटनियाँ जो हैं आलू बुखारे की चटनी ठीक है, बाकी वो जो रायता शायद डालते हैं तो मज़ेदार एक पूरी जो है समझ रहे हैं एक पूरा मील है। अताला भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह, क्या आपके क्या जायका है, ज़बरदस्त जी बहुत शुक्रिया। ले जी ये थे कॉर्नर वाले, मस्त ट्राई है जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह के करम है जनाब, इमाम रमजान। रमजान भाई कौन है ओनर जो है आपके? मैं ओनर, मेरे वालिद साहब ने डेथ हो गई, उनके बड़ा बेटा हूँ। ये जो गामा साहब है ना, ये आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनके बड़ा बेटा हूँ। हमारी एक शॉप है ये बहुत पुरानी शॉप है, यही है अभी वो आगे जो नई बनाई है, लेकिन पुरानी ये शॉप है जो ऑलरेडी है 35 साल से। दूर दूर से लोग आते हैं खाते हैं, कराची से, इस्लामाबाद से, बाहर से भी कस्टमर आते हैं। पहले नाटी की 5 रुपए की बेचते थे नाटी की, अब नाटी की 60 रुपए की है। जिरार से आए स्पेशली ये खाने के लिए। अच्छा मज़ा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इनकी मर्चों ने मुझे भी रेडी कर दी है। गामा नान टिक्की वाले ये गामा साहब के बेटे हैं, सही है। तकरीबन कब से ये शॉप शुरू हुई थी? 99 से मतलब 89 से ये शॉप इनकी है ठीक है। तो ये उनके बड़े बेटे हैं, बाप और बेटे ने ये शॉप शुरू की, अभी माशाल्लाह यहाँ पे इनकी 2 ब्रांचेज हैं और ये इनकी जो है वो मेन शॉप है। सिविल हॉस्पिटल है उसके बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने जो है वो ये इनकी शॉप है। मज़ेदार सीन है इनका ठीक है, बेसिक इनकी ये नान टिक्की है, लेकिन उसके साथ इनके ये बता रहे हैं कि मिर्चों वाली जो इनके वो पकौड़े हैं जी जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत तेज़ हैं। आए तो गाड़ी पे जाएंगे आप पैदल ही? आप मिर्चे जो खा ली है वजन भाग के पहुंच जाएंगे। कबाब दुमा चीज है ठीक है, और ये आप रिकमेंड करते हैं नान के साथ खानी चाहिए? नान के साथ और चटनी के साथ, नान और चटनी के साथ जो है ये आपको ट्राई करनी चाहिए। अभी ट्राई करते हैं आपको बताते हैं वजन
क्या सीन है, क्यों इतनी मशहूर है? जबरदस्त यार ये एक बिल्कुल सिंपल सी एक इनका कबाब है ये, और ये बेसिकली आलू, इसके अंदर उन्होंने कीमा डाला हुआ है और बाकी इनके अपने मिसाले विसाले हैं, ठीक है। और ये वो बता रहे हैं कि ज़रा स्पाइसी है, तो ज़रा ध्यान से रिकमेंडेड ये है कि यार आपने इसको नान के साथ खाना है। वही धनिया शनिया सब्ज़ मिर्चें, ठीक है, प्याज टमाटर और आलू जो है वो काफ़ी मकदार में डाले हैं और साथ उसके कीमा भी डाला हुआ है। इसको वैसे इधर ट्राई करते हैं चटनी के साथ, बिस्मिल्लाह। अच्छा ज़रा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, मिसाले जो हैं भाई ने ज़रा थोड़े तेज़ डाले हुए। इसको जब आप नॉर्मल खाएँगे तो थोड़ा सा आपको तेज़ लगेगा, लेकिन इसी को अगर आप नान के साथ खाएंगे तो ज़रा थोड़ा सा माइल्ड हो जाएगा। यार बहुत आला, अच्छा लंच टाइम के लिए मेरे ख्याल से ये मज़ेदार स्नैक है। वाह वाह गामा जी, जितनी भी जगह मैं गया हूँ, ठीक है, सबके सिंपल फूड हैं, लेकिन सिंपल फूड जो हैं वो अपने टेस्ट के अंदर काफ़ी रिच है। अब जैसे ये है बिल्कुल सिंपल सी एक वो है, एक कबाब है, कबाब टिक्की है, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है यार, बहुत ही आला। लाला मूसा की मशहूर दाल, मियाँ जी की दाल जो है, ठीक है, ये तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, आपको पता ही है, आप जब जब भी खाएंगे आपको हमेशा मज़ा ही आएगा। तो ये लाला मूसा से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर बाहर जाके ये एक रेस्टोरेंट है। अच्छा अगर आप देखें तो ये बेसिकली 2 रेस्टोरेंट्स हैं मियाँ जी के, पहले ये एक ही था लेकिन बाद में ये भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया तो एक ये बन गया और एक ये बन गया। असलम भाई मेरे साथ हैं, ठीक है, माशाल्लाह ये मेन शेफ है यहाँ पे और ये सारा सेटअप इनका खानों का लगा हुआ है और वो बता रहे हैं कि भजन जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, जितने बड़े लीडर्स हैं ये मियाँ जी की दाल खाए बगैर यहाँ से नहीं। अगर आप लाला मूसा से गुजर रहे हो ना तो सीरियसली मैं समझता हूँ ये गुनाह है यहाँ से खाए बगैर आगे जाना। ये है वो खास पराठा, ये लोग आपके वज़ीर आज़म, आपके चीफ मिनिस्टर, सदर, सब यहाँ से खा के जाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा इनके जो है ना पीछे यहाँ बैठने शैठने की भी जगह है, ये इनके पास जो है ना ये हॉल काफ़ी बड़े बड़े हॉल हैं। स्पेशल क्या क्या है आपके? स्पेशल अल्हम्दुलिल्लाह सारे खाने स्पेशल होते हैं जायके वाले, लेकिन दाल जो है ये हमारी फेवरेट है, देसी घी में बनती है और पराठा होता है हमारा तंदूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सर? देसी घी के अंदर बनाते हैं, पहले आटे के अंदर भी डाला होता है देसी घी, लेकिन उसके बाद भी इसके ऊपर जो है वो काफी देसी घी लगता था। ये देखिए ये फुल लेयर्स वाला है, फुल लेयर्स वाला जो है वो, ओए ओए भाई जान क्रिस्पी पराठा बहुत आला। और इसके साथ इनकी जो मशहूर दाल है इसमें भी अगर आप देखें तो आपको ऊपर जो है वो देसी घी की एक पूरी लेयर नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरोमा भी आ रहा है और इसका जो टेस्ट भी आता है वो देसी घी का आता है, ठीक है। और इसके साथ इनके पास ये अचार है, ठीक है, ये चेकर है, वाह वाह वाह, मैंगो का अचार है, ठीक है, और मेरे ख्याल से सब्ज मिर्च भी है, सब्ज मिर्च है, मैंगो का अचार है, अरे वाह काफ़ी लेयर्स हैं अगर आप देखें तो इसकी काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में ये बना हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा इसके साथ आपने अचार लेना है, अच्छा आम का अचार है। अच्छा ये प्योरली जो है बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये प्योरली जैसे पंजाब का एक देसी खाना है, ठीक है, या नॉर्मली अगर आप देखें तो लोगों के अंदर जब घर में दाल बनती है साथ ये पराठा बनता है तो साथ ये अचार साथ ये लस्सी, ठीक है, तो समर्स के अंदर ये बड़ा मज़ेदार ये डिश है जो नॉर्मली लोग घरों में बनाते हैं। हमेशा की तरह भाईजान एक ही टेस्ट, ठीक है, और वही टेस्ट जो है वो जब आप यहाँ से गुजरते हैं ना तो वो आपको खींच लेता है। बिस्मिल्लाह, तो बहुत आला। अच्छा जब आप इसकी दाल की ट्राई करते हैं तो साथ ही अचार का हल्की सी जो खटास आती है वो बहुत आला लगती है, टू गुड यार। अच्छा पराठे का जो क्रिस्पी पार्ट है ना उसकी आप एक चम्मच बनाएं और उसके बाद आप इसकी जो है वो एक फुल जो हैवी लोडेड दाल के साथ, ठीक है, वो आप बाइट बनाएं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसको काफ़ी ब्लेंड किया होता है दाल को तो बिल्कुल आपके मुंह में जो है वो घुल जाती है और ज़्यादा हैवी भी नहीं होती क्योंकि टोटली प्योरली जो है वो देसी घी के अंदर से इस्तेमाल किया होता है और मिसाले जो हैं वो भी ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। तो टू गुड यार, हल्की सी अचार की खटास भी बहुत अच्छी लगती है और आई एम श्योर अभी थोड़ी सर्दियाँ हैं, गर्मी में जब ये साथ चाटी की लस्सी देते होंगे ना तो दी एंड हो जाता होगा यार, बहुत ही मज़ेदार है।